हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है, जूनियर असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर के लेवल टू के पार्ट बी में करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका 30 नंबर का टिप्पणी प्रारूपण और प्रतिवेदन पिछली बार आया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर हम आपको बेसिक और बुनियादी जानकारी देंगे। क्योंकि कार्यालय प्रक्रिया के बारे में अगर आपको बुनियादी जानकारी नहीं रहेगी तो आप टिप्पणी प्रारूपण और प्रतिवेदन को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। सपोज करिए आपको पार्क के बारे में या बैडमिंटन के बारे में या एयरपोर्ट के बारे में या ट्रेन के बारे में अगर लिखना हो तो वहाँ के स्ट्रक्चर और लेआउट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से टिप्पणी प्रारूपण और प्रतिवेदन अगर आप लिख रहे हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी बुनियादी प्रक्रिया हैं अगर आपको पता है तभी आप टिप्पणी प्रारूपण और प्रतिवेदन को सही तरीके से कर सकते हैं। तो यह वीडियो खास उसी तरीके से बनाया गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है आप हमारे लैपटॉप एप्लीकेशन मोबाइल एंड्रॉयड सभी वर्जन पे जो आप मेरे एप्लीकेशन अवेलेबल है वहाँ से आप इसे ब्राउज कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेवल टू में आपको मिल जाएगा और रिसेंट फाइल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो एक बार देखने के बाद आपको नोट सही चाहिए होते हैं ताकि समय की बचत हो सके और सही तरीके से पढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो कंटेंट है दोनों माध्यम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में, जैसा आपको सूटेबल लगे आप मेन बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में समझ लीजिए। ठीक है, तो राइट साइड में आपका इंग्लिश मीडियम है और लेफ्ट साइड में आपका हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पर हिंदी माध्यम के विषय बताते हैं। ओके, सबसे पहले बता दें आपकी कार्यालय संरचना क्या होती है। कार्यालय को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, और ऑफिस क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है वो आप उसके पास कई जानकारियाँ आती हैं स्मॉल ऑफिसों से। ठीक है, ओके, फिर उसके प्रतिरूपण में कई प्रोग्राम्स होते हैं, उसके तहत क्या होती है हेड ऑफिस कई चीज़ों को लेकर इंस्ट्रक्शन देती है आपके स्मॉल ऑफिस को। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों का कम्युनिकेशन होता है, हेड ऑफिस टू स्मॉल ऑफिस, ओके, और स्मॉल ऑफिस टू हेड ऑफिस। ठीक है, इस तरीके की क्या होती है संरचना और कार्य पद्धति चलती रहती है। ठीक है, ठीक उसी प्रक्रिया में आती है प्रारूपण और नोटिंग। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, प्रारूपण और नोटिंग, दो चीज़ें आती हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे आपको बताते हैं नोटिंग, ठीक है, और प्रारूपण दोनों चीज़ों के साथ यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रिया ऑफिस टू ऑफिस होती रहती है। ठीक, प्रारूपण ज्ञान या नोट करना सरकारी कार्यालय की रोजमर्रा के कामकाज का एक प्रमुख घटक है। इसका मतलब यह है कि यह उचित नोटिंग और प्रारूपण का ज्ञान एक कर्मचारी को वस्तुतः सरकार के लिए एक संपत्ति है। ठीक है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग एक क्या एक सरकारी संपत्ति की तरह होती है। ठीक है, नोटिंग प्रारूपण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले निर्णय लेने से प्रक्रिया में सहायता करता है। नोटिंग प्रारूपण ज्ञान सक्षम अधिकारी के स्तर पर पूरे पदानुक्रमांक में प्रत्येक अधिकारी के बीच में एक ठोस व विश्वसनीय लिंक प्रदान करता है। प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वव्यापी समीक्षा के लिए उसी का रिकॉर्ड बनाए रखने हैं तो विशिष्ट विषय पर चर्चा की अनुमति देता है। संक्षेप में नोटिंग और प्रारूपण का मुख्य कार्य किसी मामले के निपटान की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। ठीक है, कोई भी ऑफिस खुलता है तो वहाँ पे कई पिछले दिन के पेंडिंग काम्स होते हैं, कई दूसरे विभाग से जो है कि आपका कई रिपोर्ट मांगी जाती हैं, तो कई प्रक्रिया उस निपटाने के लिए क्या होता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग का प्रेरण किया जाता है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या पता होना चाहिए कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग के बारे में जाने, उनके कौशल को अच्छे से जाने, ओके, नोटिंग की क्रिया दृष्टिकोण क्या लागू होता है उसको समझें। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में उचित और प्रभावी संरचना को कैसे मसौदा तैयार करें वो उन सभी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, पूरे ऑफिसों में सभी लोगों के लिए नोटिंग नहीं लिखना होता है, जिससे मान लीजिए कोई रिसर्च सेंटर है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है तो उस विभाग के द्वारा लिखा जाता है, साइंटिस्ट लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर भी कई साइंटिस्ट अपने डिपार्टमेंट की आवश्यकता लिखनी होती है तो अपना इंटेंट देते हैं। ठीक, तो नोटिंग खास तौर पर किसे जानना होता है, सेक्शन ऑफिसर या अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक अनुभाग अधिकारी, पीए पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, ओके, या उनके समस्त जो भी सचिवालय में रहते हैं साथ में, उन सभी को नोटिंग ड्राफ्टिंग की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑफिस टू ऑफिस जो फॉर्मेट होता है बातचीत का वो यही होता है। ठीक, अब आप बताते हैं नोटिंग में क्या ध्यान रखना होता है, 4C ऑफ द नोटिंग। नोटिंग बनाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है, चार चीज़ें, आपको कोई भी सेंटेंस क्लियर होना चाहिए और वह भी आपके कंप्लीट होना चाहिए, सही होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, आपको इन सब पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बताऊंगा आने वाले वीडियो में, सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को समझते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
नोटिंग प्रक्रिया कैसे चलती है वो बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपका एक विभाग है, मान लीजिए विद्युत विभाग है, उसके पास कोई इंक्वायरी आती है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से, मान लीजिए जल विभाग की तरफ से कोई प्रक्रिया आती है, मान लीजिए पावर प्लांट लेकर कोई प्रक्रिया आती है, तो जब उसके पास कोई कागज आता है तो पर्सन लेके नहीं आता, डाक के द्वारा आता है, ठीक है। अब तो डिजिटल मेल चलता है, ई ऑफिस के द्वारा आता है, ठीक। तो उसमें टोटल 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहले क्या होता है, केस ओपन होता है, उसमें क्या लिखा गया उसके बारे में जानकारी होती है, फिर बड़े अधिकारी को संक्षेप रखने के लिए क्या होता है, नोटिंग चलती है, फिर उस वो पूरी प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, प्रारूपण डिसीजन ले जाता है, ड्राफ्टिंग होती है, फिर फाइनल डिस्पोजल होकर उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। इस तरीके से 5 तरह की प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है। तो अब देखिए नोटिंग में स्पेशली क्या क्या होता है, डिस्पैच होता है कहाँ से आया उसके बारे में डिटेल होती है, पूरा पेज नंबर होता है, नोटिंग नंबर होता है, उसके अंदर क्या पीयूसी है, मतलब अंडर कंसिडरेशन है, प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन क्या उचित होती है, रेफरेंस दिया जाता है, कोई डिसीजन लेना होता है, और फाइल का लिंक किया जाता है कि किस केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है कि नोटिंग में कई चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक। चलिए आगे बताते हैं आपको क्या होता है। अब नोटिंग का जो प्रारूप होता है बिल्कुल इस तरीके होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखें, आपको रियल भी दिखा देंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताते हैं कि इस तरीके का कागज़ होता है, ओके, जिसमें दोनों तरफ में लाइन वाइज लाइन होता है, ठीक। आप भी अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले क्या होता है, नोटिंग फाइल खुलती है कोई पेंडिंग काम को लेकर के, तो विचाराधीन पत्र का विवरण देना होता है कि कौन कौन से उससे जुड़ा हुआ विचाराधीन विवरण है। सेकंड है, उस पत्र के मामले पर क्या मामला है उसके बारे में देना होता है। थर्ड है कि निस्तारण के लिए क्या क्या अनुरोध किया जाए जिससे कि वह पेंडिंग केस डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर पे होता है नीचे अधिकारी जो इंडेंट जो शुरू करते हैं नोटिंग को, वो अपना नाम लिखते हैं, पद लिखते हैं, उसके नीचे मार्किंग करते हैं अपने सीनियर अफसर के लिए, ठीक है, कि आप इस चीज़ को देखिए हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। अधिकारी अपने मार्किंग को निशान कट करके अब आगे जो भी मार्किंग करेगा, बड़े अधिकारी जब लिखेंगे तो वहाँ पे कट कर देंगे, मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसे कई अधिकारियों के अपना साइन होते हैं, फिर फाइनल में राइट साइड में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं राइट साइड में किस तरीके जाते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें लिखा है, नॉन गेजेटेड और गेजेटेड, ठीक है। नोटिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो नॉन गेजेटेड अफसर से शुरू होती है और गेजेटेड अफसर पे जाकर डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आप जूनियर परचेज असिस्टेंट हैं, आपको कोई सामान की रिक्वायरमेंट है या कोई पेंडिंग काम आया हुआ है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट पूरी लिख दोगे, अपना नाम लिख दोगे, पद लिख दोगे, सारी चीज़ें कर दोगे, उसके साथ में नीचे अपने सीनियर का एक जगह छोड़ दोगे, फिर वो अधिकार निर्णय लेंगे, फिर धीरे धीरे वो सीनियर अफसर के पास जाता है, फिर वो फाइनल डिसीजन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अधिकारियों के साइन होते हैं, लेफ्ट साइड में नॉन गजेट, राइट साइड में गजेट अफसर के साइन होते हैं फाइनल डिसीजन तक, ठीक है। इस तरीके से जो है आपकी प्रक्रिया चलती रहती है, ओके। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अब क्या है, जो हम नोटिंग लिख रहे होंगे तो बाएं से दाएं अंग्रेजी या हिंदी में लिखी जाती है, ओके। नोटिंग के सिर्फ बाएं से दाएं हिंदी अंग्रेजी में लिखी जाती है, ओके। दूसरा क्या है कि पीयूसी बहुत फेमस है, पहला कार्य है पीयूसी का विवरण देना, उससे जुड़े हुआ पहले का पेंडिंग काम क्या है, आगे उस मामले के पूरा विवरण देना होता है, और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि पूरा निस्तारण हो जाए उस केस से जुड़ा हुआ, उस पेंडिंग काम से जुड़ा हुआ, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लिखी जाती है, ठीक है। सबसे ऊपर पेज नंबर होता है वो लिखते हैं, हमने बताया हुआ था 2021 का सोल्यूशन कराया था, सबसे ऊपर पेज नंबर होता है, ठीक है। पत्र नंबर होता है, पत्रावली जिसे बोलते हैं, ऑब्लिक ऑब्लिक करके होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका विद्युत विभाग है तो विद्युत ऑब्लिक, कोई आपकी भर्ती जुड़ा तो भर्ती ऑब्लिक 2021-22 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रारूप होता है, इस तरीके से पूरा सिक्वेंस बना के लिखते हैं, ओके। ये चीज़ होती है, ठीक है, बिल्कुल ड्राफ्ट कॉपी बिल्कुल इस तरह होता है, कच्चा कागज, ठीक है। ग्रीन शीट बोलते हैं इसको, सरकारी अफसर में ग्रीन शीट के रूप में होता है, उसे लिखते हैं, ठीक। जहाँ पे आप विचाराधीन पत्र होगा उसका निर्णय उसको उसमें लिखते हैं कि क्या क्या उस केस को डिस्पोजल करने में कौन कौन सी बातें अभी पेंडिंग है, ओके, ठीक। अभी चीज़ हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है आपका रूरल ग्रामीण विकास से, एक विभाग से आती हैं चीज़ें, बड़े अधिकारी को आती हैं और बड़े अधिकारी को जाती हैं, फिर मार्किंग अधिकारी को होती है, फिर कई सेक्शन में बढ़ती है रिक्वेस्ट, फिर डिसीजन होने के बाद में फिर वो रिवर्ट हो जाती है जहाँ से फाइल आई रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ग्रामीण विकास में कहीं पर नल लगना है, उसका रिक्वेस्ट जनता ने आपको किसी ऑफिस में दिया, उस ऑफिस ने बड़े ऑफिस को दिया कि इसका फंड कैसे जुटेगा, फंड के बाद उसके इंजीनियर कौन रहेगा, कैसे लगाएगा, जब सारी बातें हो जाती हैं, उसका साइन हो जाता है, फिर गाँव के जो जहाँ पे नल लगना होता है वहाँ पे वो लग जाता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है डाक प्राप्ति की प्रक्रिया, ठीक। ये सारी बहुत बेसिक जानकारी है, ओके।
और नोटिंग जो ऑफिस होता है, ऑफिस के 5 फंक्शंस होते हैं वो आपको बता ही दिए कि कोई डाक रिसीव होती है, वो फाइल ओपन होती है, उस पर डीलिंग होता है, क्या क्या इस पर करना है क्या नहीं करना है, फिर उस चीज़ पे जो करना है उसको क्या नोटिंग ड्राफ्टिंग तैयार होती है, फिर उस पर डिसीजन होने के बाद उसको डिस्पैच कर दिया जाता है, उसका रिप्लाई दे दिया जाता है। सपोज करिए अभी हमने एक आरटीआई लगाई थी, टोटल फॉर्म कितने रिसीव हुए हैं, तो पहले हमारे फॉर्म क्या होगा, रिसीव हुआ होगा, उसे खोला गया होगा कि उसमें क्या पूछा गया है वो क्या होगा, फिर उसकी नोटिंग बनी होगी, फिर उस पर डिसीजन दिए होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं कि हाँ इसका क्या रिप्लाई दिया जाए, फिर उसे ईमेल के द्वारा या ऑफलाइन के द्वारा डिस्पैच कर दिया गया। ठीक है, तो कार्यालय की यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे नोटिंग और ड्राफ्टिंग के ऑफिशियल वर्क से जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको, एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्पल लेते हैं, राज्य सरकार का, ठीक है, जिसके ऑफिस कितने लेवल पे होती हैं, कितने अफसर होते हैं, उसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका राजस्थान, राज्य सरकार का, कोई भी राज्य सरकार का आप ले सकते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि आप एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में कोई घटना घटती है, आप वहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाइए या रिपोर्ट बनाइए, तो आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए, उस हिसाब से आप क्या क्या अपनाएंगे प्रक्रिया, तो आपको उस राज्य सरकार के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्टेट का भी चेक कर सकते हैं, लगभग सभी जगह सिमिलर होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक राज्य सरकार के कार्यालय के डिपार्टमेंट और ऑफिस के बारे में। ओके, सभी सचिवालय में प्रशासनिक सचिव होते हैं, कौन कौन होते हैं आपको बता देते हैं, यहाँ पे विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके हेड ऑफ द प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, उसके बाद कहते हैं ड्राइंग एंड डिवर्सन अफसर होते हैं, ठीक, जो पैसे के लेन देन करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि उसमें कितने किस तरह के लोग होते हैं, ध्यान से देखिए, कोई एक ऑफिस होती है तो वहाँ होता है स्थापना अधिकारी, स्टेबलिशमेंट ऑफिसर होते हैं, जो आपको आरटीआई के जवाब देते हैं या तमाम चीज़ों का रिपोर्ट रखते हैं। ठीक, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ सहायक अधिकारी होते हैं, फिर क्या होते हैं, कनिष्ठ सहायक होते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अभी जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अधिकारियों के सिक्वेंस का लेवल बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए कि किसको नोटिंग फॉरवर्ड करनी है, किसको किस तरीके से करनी है, एक एग्जेप्शन से लेकर के आप अप्लाई करते हैं जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग लिखते हैं। ओके, तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ओके, फिर नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और इस्टेब्लिशमेंट अफसर। ठीक, इस तरीके से अधिकारियों का जो सीक्वेंस होता है वो चीज़ होती है। हेड ऑफ ऑफिस जो होती है उसमें जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग अधिकारी होते हैं, ट्रांजिशन को लेकर के, पैसे से जुड़े लेन देन को लेकर के, ठीक है, कोई चीज रहता है तो। ओके, तो ये चीज़ें हैं, कार्यालय प्रमुख आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, एक होता है उसका मुख्यालय स्तर होता है, फिर रीजनल स्तर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर होता है, और उसके बाद एरिया स्तर का डिवाइड रहता है। ओके, उसी के बीच में जितने भी सब अफसे होती है, अधीनस्थ अफसे होती हैं वो होती हैं। ठीक, तो कभी कोई मैटर रहेगा तो आपको उसमें लिखेंगे कि यह मुख्यालय स्तर का मामला है, संभागीय स्तर का मामला है, या आपके स्तर का क्या है, वो सारी के सारे मेंशन रहेगा। ठीक, ये चीज़ें बेसिक बुनियादी संरचना थी। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, आंतरिक रेफरल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे वित्त विभाग है, कानून और कानूनी मामले हैं, निर्वाचन विभाग है, ये सभी क्या होते हैं आपके रेफरल डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार का ही देखते हैं, सबसे हेड जो है यहाँ पे आपको गवर्नर है, गवर्नर के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, समिति के सहायक सलाहकार होते हैं, ठीक, उसके बाद कई विभागें होते हैं, उस विभाग के हिसाब से अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो कुछ विभागों का आपको सही नाम याद रखना है कि कुछ विभाग को क्या कहते हैं, जैसे जल संसाधन मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन मंत्रालय, विद्युत विभाग, या व्यावसायिक शिक्षा, इस तरीके से कई चीज़ें आपको याद रखने रहते हैं। ठीक, अब उसके आते हैं चीफ मिनिस्टर के अंडर में कैसे सब डिविजन है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, उप मंत्री, तो ये चीजें हैं। आगे है आपका, ये सब रिपोर्ट लिखने में काम आता है कहीं कहीं। ठीक, आगे है आपका राज्य सरकार का गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और डिपार्टमेंट, ये चीजें आपको समझाती है। ओके, उसी सिक्वेंस में क्या है कि संभागीय, जिसे आपको बताया कि कई संभाग होते हैं, तो आप अपने राज्य की चीजों के बारे में जानिए कि कौन कौन से संभाग आते हैं, किसके संभाग में डिटेल क्या रहती है, वो आप जरूर याद रखिए, क्योंकि लिखने में आपको जो एग्जेप्शन लेंगे तो अभी एक सही तरीके का बैठेगा। ओके, उसके बाद सचिवालय है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिपार्टमेंट की संरचना है। ओके, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे, आपको ये पहले बता दिए। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक विभाग में क्या है, मंत्री प्रभारी होते हैं, उसके नीचे प्रशासनिक सचिव होते हैं,
फिर आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, सचिव, सहायक सचिव होते हैं, सरकार के विशेष सचिव होते हैं, उसके नीचे सरकार के संयुक्त सचिव होते हैं, सरकार के उप सचिव होते हैं, सरकार के सहायक सचिव, ओके, फिर अनुभाग अधिकारी, फिर सहायक अनुभाग अधिकारी। ये सिक्वेंस याद रहने से, आपको लिखते रहने से अच्छी प्रैक्टिस रहती है। ओके, नेक्स्ट आप आपको पूरे एग्जाम्पल देंगे। सारी चीज़ों का अगर समरी समझे तो कैसे समझ आएगा, कार्यालय एक पेड़ की तरह है। कार्यालय क्या है? पेड़ की तरह है। अगर तो सबसे ऊपर जो टहनी है क्या है? अनुभाग अधिकारी, उसके बाद अवर सचिव अधिकारी, फिर क्या है? उप सचिव, ठीक, उसके बाद क्या है? संयुक्त सचिव, फिर आपके विभाग के सचिव या अपर सचिव, अवर सचिव, ठीक। ये पूरा आपकी संरचना होता है, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, और संगठन के प्रकार हो गए आपके, कि विभाग होते हैं, कलेक्ट्रेट होते हैं, सेक्रेटरेट होती है और अंड होती है, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। ये पूरा आपका कंटेंट और PDF मिल जाएगा आपको, हमारे जो एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन का, आप उससे आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड, आईफोन सब जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में और अधिक एग्जाम्पल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।